ओके पहले गूगल ओपन कीजिए, फिर एम्स सर्च कीजिए, वहाँ पे जाके आप एकेडमिक कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर एमबीबीएस को सिलेक्ट कीजिए, पार को नहीं, फिर प्रोसीड कीजिए। ओके इसके बाद अपना डिटेल्स डालिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिक कोड, फिर पासवर्ड एंड देन कैप्चा, फिर लॉगिन होगा तो ये पेज आएगा ऐसा, जिसका 3 स्टेप्स आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 4th स्टेप के लिए पहले सिलेक्ट कीजिए लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी। फिर पहले आप एम्स की एग्ज़ाम पे अपीयर किया है कि नहीं वो बताइए, ये सुनो। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसका नाम लिखिए। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का स्टेटस बताइए कि पास्ट है कि अपीयरिंग है। और अगर अपीयरिंग है तो आपको 10th का रोल नंबर डालना पड़ेगा, और अगर आप पास्ट है तो 12th का रोल नंबर डालना पड़ेगा आपका आपको। ओके फिर बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। ओके फिर प्रोसीड कीजिएगा। तो स्टेप 5 में आ जाएंगे आप। फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप सिटी चॉइस भी कर सक देख सकते हैं कि कौन से सिटी में कितना सीट्स बाकी है अभी भी। फिर उसके बाद बैंक सिलेक्ट कीजिए, फिर अमाउंट सिलेक्ट कीजिए, कंफर्म कीजिएगा। फिर उसके बाद दोबारा से कंफर्म करना पड़ेगा आपको। ओके पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसका डिटेल्स भर दीजिए यहाँ पे, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम्स, फिर CVV कोड एंड देन कैप्चा। ओके देन आप पे क्लिक कीजिए, तो एक OTP आएगा आपके फ़ोन पे, रजिस्टर्ड फ़ोन पे जो बैंक के साथ लिंक किया हुआ है। और ये एक 3D सिक्योर साइट है जो बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर आपको जो OTP आएगा उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि पेमेंट का डिटेल्स यहाँ पे आ गया है, जैसे कि पेमेंट डन सक्सेसफुल ऑन 23rd February 2019, ऐसे करके आएगा। ओके फिर 5th स्टेज हो जाए, स्टेप हो जाएगा, तो उसके बाद 6th स्टेप के लिए आपको सिटी चॉइस करना पड़ेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि पेमेंट का जो रिसिप्ट है वो आप ज़रूर प्रिंट कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो कुछ इस तरह की दिखती होगी। ओके फिर सेव कर लीजिएगा जो भी आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे। इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 6 कीजिए। ओके फिर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद अपना सिटी चॉइस कीजिए, देन प्रोसीड टू स्टेप 7।
आप यहाँ पे एक ही सिटी का चॉइस दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बताया जाएगा कि स्टेप 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये फॉर्म आएगा जो कि फाइनल रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे नीचे बताया जाएगा कि आपने कौन सा सिटी सिलेक्ट किया है, और फिर ये जो कन्फर्मेशन पेज है ये आप प्रिंट कर सकते हैं। दोबारा से आपको इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसे सेव कर लीजिएगा किसी भी लोकेशन पे। तो ये तो था नॉर्मल, अगर किसी भी स्टूडेंट अपियरिंग होता है तो उसका फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए। और दो जो दिक्कत आती है वो मैं अब आपको बताऊंगा। पहले कि ये जो है स्टेप 4 क्वालिफिकेशन के लिए आपको, अगर ये पास्ट है, देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट पास्ट है, इसलिए 12 का रोल नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोर्ड जो भी मैंने पहले बताया वो भर दीजिए। फिर पेमेंट का कुछ दिक्कत होता है कि पेमेंट हो जाता है लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखाया जाता है। इसके लिए आपको, मैंने देखा है कि 48 आवर्स के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस तरह का मतलब नोटिफिकेशन आता है वो दिखाने के लिए मैंने ये एडिशनल डाला है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन तो आपका फिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, स्टेप प्रोसीड टू स्टेप 5 करना पड़ेगा आपको। ओके, और यहाँ पे कोई डायलॉग्स बॉक्स आएगा तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। स्टेप 4 ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बिन कॉम्प्लीटेड ऐसा करके आएगा, स्टेप 5 ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बिन कॉम्प्लीटेड इस लाइक दैट, इस तरह से आएगा। ओके, फिर फी पेमेंट के लिए अगर आप जाएंगे दोबारा से तो यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा कि देखिए, SBI को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ए पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड फॉर द सेम रेफरेंस नंबर, योर रिक्वेस्ट कैनॉट बी प्रोसेस्ड। ये दिखाया जाएगा, घबराइए मत। मैंने देखा है कि 48 आवर्स के बाद जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है, और आप यहाँ से अगर रिडायरेक्ट करना चाहेंगे तो रिडायरेक्ट नहीं होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।